कश्मीर घाटी में आए हैं, कुपवारा, बारामुल्ला, सोपोर और गंदारबल, ये चार जगह हमारा कैंप चालू है। कुपवारा में हमें बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला है। यहाँ का हॉस्पिटल का सेटअप, यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ सब बहुत बढ़िया है। हम जो चाहते थे उससे ज़्यादा उन्होंने तैयारी करके रखी थी। उनका स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है। जो पेशेंट लाने थे या पेशेंट सिलेक्ट करने थे, वो क्राइटेरिया भी उन्होंने बहुत बढ़िया से किया था। सभी पेशेंट काफ़ी अच्छे तरह से हमें मिल रहे हैं और इसकी वजह से मुझे ये बताने में खुशी हो रही है कि कल हमने 54 सर्जरीज यहाँ की। और ये चार जगह हमारा जो कैंप चल रहा है, वो चारों में कुपवारा का नंबर एक नंबर पे है। इतनी अच्छी सर्जरी और इतने अच्छे नंबर में हम यहाँ कर पाए। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू ऑल दिस कुपवारा पीपल, दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। हम यहाँ ऑप्थोलॉजी की सर्जरी कर रहे हैं, हम गायनेक की सर्जरी कर रहे हैं, हम ENT की सर्जरी कर रहे हैं, हम अलग अलग तरह की सर्जरी कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ के पेशेंट, इनको यहीं सब सुविधा मिले, यहाँ से वहाँ उनको कहीं जाना ना पड़े, ना श्रीनगर जाना पड़े, ना आगे कहीं जाना पड़े। और उनका जो आसानी है, उनका जो दुख दर्द है, वो यहीं ठीक हो। इसकी वजह से हम रोटरी के माध्यम से यहाँ आए हैं। अगले 7 दिन तक हम यहाँ रहेंगे और 18 तारीख तक हम यहाँ सर्जरी करने वाले हैं। चारों मिला के हमारा टारगेट है कि हम करीबन 2,500 से लेकर 3,000 तक सर्जरी पूरी करेंगे। और अगर इन्होंने मौका दिया तो अगले साल वापस आएंगे। जनरल सर्जरी मेरी स्पेशलाइजेशन है और गैस्ट्रो और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में मेरी खास स्पेशलाइजेशन है। मैं कुछ अपनी लाइफ में कुछ 30,000 से 35,000 ऑपरेशंस कर चुका हूँ और यहाँ पर कश्मीर में पहली बार आया हूँ। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर यहाँ के जो आवाम है कुपवारा के, कश्मीर के, उनका मैं बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ये सेवा का मौका दिया। और उसके बाद रोटरी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन किया है, स्पॉन्सरशिप किया है। और लोकल हॉस्पिटल जो हैं हमारे, जितने भी चार जहाँ पर हम सर्जरीज कर रहे हैं, लोकल हॉस्पिटल्स की मैनेजमेंट का और वॉलंटियर्स का और जम्मू कश्मीर जो गवर्नमेंट है, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है। यहाँ हम, जैसे हमने कहा है कि 18 तारीख तक सर्जरीज करेंगे और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में इतनी शानदार तरीके से यहाँ पर इन्होंने अरेंजमेंट किया है। कुपवारा एक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, ये कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी नहीं है, ये सिविल हॉस्पिटल भी नहीं है। और जब हम यहाँ आए थे तो हमें इम्प्रेशन ऐसे लगा जैसे कि ये सिविल हॉस्पिटल है, तो हम हैरान हो गए देख के कि एक्चुअली ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है और इसका जो अरेंजमेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स बहुत ही अच्छा है। इसका क्रेडिट किसको जाता है? इसका क्रेडिट मैं कहूँगा कि ये हमेशा ही किसी एक को क्रेडिट नहीं देना चाहिए। मैं कहूँगा कि ये एक लोकल हॉस्पिटल की मैनेजमेंट कि वो इतने मतलब पुट फॉरवर्ड करते हैं अपनी चीज़ें गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट भी जो है वो इनकी जो डिमांड्स को एक्सेप्ट करती हैं और पूरा करती हैं। और फिर जो आवाम है वो जब अपनी मांगे लेकर आते हैं और जो फिर वो अपनी बातें यहाँ कहते हैं, तो ये टीम वर्क है। सो किसी एक को क्रेडिट नहीं हम दे सकते हैं, लेकिन इस कैंप का जो क्रेडिट है वो शेयर करेंगे लोकल हॉस्पिटल, वॉलंटियर्स, रोटरी क्लब और जो हम डॉक्टर्स यहाँ आए हैं, तो ये एक टीम वर्क है और ये शेयर करेंगे हम। और आपका भी है, मीडिया वालों का, जो हमारी बातें सब तक पहुँचाते हो, तो ये टीम वर्क है। और जैसे एक हाथ में 5 उंगल है तो सभी का साथ है, सभी का साथ है और सबका विकास है। इसमें ऐसा है कि पिछले 2 साल में लॉकडाउन की वजह से काफी सारे लोग मोबाइल स्क्रीन में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि हमारे से ज्यादा रोल तो ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का ही होगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से केसेस सिलेक्ट करके रखे हैं, तो हमें किसी चीज की कमी है ही नहीं, क्योंकि केसेस रेडीमेड है और हमारे सिर्फ ऑपरेट करना है। सिलेक्शन ऑलरेडी इतना परफेक्ट क्राइटेरिया से सिलेक्शन किया है इन लोगों ने कि हमें बैकएंड में कोई सब प्रॉब्लम ही नहीं आया, हम डायरेक्टली सर्जरी। तो कल हम DC साहब से वही बात कर रहे थे कि ये अगर मौका मिले
तो हम वापस जरूर हर साल में एक एक स्पेशलिटी जमा करके जरूर इसमें लेके आना चाहेंगे। एक समय पूरा ऑस्ट्रोलॉजी का टीम आएगा 8-10 लोगों का, दूसरे समय में जनरल सर्जरी वाला आएगा, तीसरे समय में गायनिक वाला आएगा, तो और ज्यादा अच्छी तरह से इसको कोऑर्डिनेट करने में आसानी हो जाएगी कि जिससे इस यहाँ के घाटी के लोगों को बहुत किसी चीज की कोई कमी नहीं महसूस हो रही है। हम सवेरे से शाम तक यहाँ काम करने के लिए तैयार है। और कल जैसा मैंने ऑफ्थल्मोलॉजी का सेगमेंट देख रहा हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पर हमने 26 प्रोसीजर्स उसमें पूरे किए हैं, जिसमें से 24 जो है वो कैटरेक्ट वाले थे, 2 जो है वो टेरिज्म वाले थे। और आज आगे का काम हमारा ऑफ्थल्मोलॉजी सेगमेंट में चालू हो रहा है, जो अभी तक तकरीबन हमने 12 सर्जरी सवेरे से पूरी की है और शाम तक और इससे बची हुई सर्जरी जो है वो पूरी करने का हमारा मानस है। मेगा हेल्थ कैंप चल रहा है यहाँ पर, तकरीबन 60 के करीब सर्जरी जो कल यहाँ पर हुई है, हम मुतमिन है यहाँ पर बहुत। ये सरकार का बेहतरीन कदम है, खुद डायरेक्टर साहब इस पर मॉनिटर कर रहे हैं, वो कल यहाँ उनका विजिट भी था। इसी तरह हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब खालिद जंगी साहब, उसने भी विजिट जायजा लिया यहाँ पर। जो नोडल ऑफिसर्स हैं वो भी बराबर मॉनिटर कर रहे हैं, और जो अमला यहाँ पर है हेल्थ का वो भी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और जो वॉलंटियर्स हैं चाहे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, रेड क्रॉस, सिविल सोसाइटी, ट्रेडर्स फेडरेशन वालों ने यहाँ पर जो खाने का बंदोबस्त किया था लोगों के लिए, जो यहाँ पर एडमिट लोग हैं उनके जो अटेंडेंट्स हैं उनके लिए, और बेहतरीन निज़ाम इस वक्त जो पैरामेडिकल स्टाफ है हर कोई लगा हुआ है यहाँ, जो बाकी ब्लॉकों से आए हैं या वॉलंटियर्स या जो हेल्थ के जो अहलकार यहाँ पर लोगों की मदद के लिए आए हैं, लोग मुतमिन हैं। हम चाहते हैं कि ब्लॉक लेवल और तहसील लेवल पर भी ऐसे हेल्थ कैंपस और सर्जरीज होनी चाहिए। फार फ्लंग एरिया से लोग आ रहे हैं, आप देखिए करना से आ रहे हैं, मच्छल से आ रहे हैं, राजवा, रामा, लोला और गाजियाबाद, लंगेट, मुख्तलिफ एरिया, हंदवाड़ा, मुख्तलिफ एरियाओं से लोग आ रहे हैं, जिनकी रसाई बड़े हॉस्पिटलों तक नहीं थी, नर्सिंग होम्स तक नहीं थी, या श्रीनगर वो नहीं जा सकते थे, आज अपने ज़िले में कुपवाड़ा में उनके लिए यहाँ पर ये इंतज़ाम रखा गया है। एल जी साहब का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर ये मेगा हेल्थ कैंप का एक इनेकाद किया है, और खुद इस पर जो भी जितने भी हमारे चाहे कमिश्नर साहब है, चाहे जो नवीन चौधरी साहब है, या हमारे डायरेक्टर हेल्थ, या हमारे CMO साहब है, सुपरिटेंडेंट साहब है, वो खुद निगरानी इस पर कर रहे हैं। DC साहब ने भी खुद यहाँ पर जायजा लिया है हालात का, और हम मुतमिन हैं लोगों को ये सुविधा मिली है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, चाहे मेजर या माइनर जो भी सर्जरी है वो यहाँ पर हो रही है। कल दिन में उन्होंने 60 के करीब जो सर्जरियाँ यहाँ पर हुई है, इस वक्त भी स्क्रीनिंग हो रही है, रजिस्ट्रेशन हो रही है बीमारों की। लिहाजा हम मुतमिन हैं और हम शुक्रिया अदा करने हैं LG सरकार का और अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की